So welcome to the next part of the salaries chapter. Topic is valuation of perquisite of motor car or any other automotive conveyance. देखो इसका मतलब क्या होता है? जो employer है वो अपने employee को car service provide करता है, ठीक है? इसमें सारी क्रामिंग है वैसे तो, कैसे कैसे rates आपको learn करने हैं according to cubic capacity, according to the capacity of the car. बड़ी car दी है या छोटी car दी है, साथ में आपने ड्राइवर दिया या नहीं दिया, ये सब कुछ आपने इसमें पढ़ना है, ठीक है? तो टॉपिक का नाम है कन्वेंस बेसिकली, और उसमें हम क्या दे रहे हैं, या तो कार दे रहे हैं या कोई भी और कन्वेंस फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। इन केस एम्प्लॉयर हैड प्रोवाइडेड अ कार और एनी अदर व्हीकल फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द एम्प्लॉय और एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली, इट इज अ पर्क विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय provided he or she is an employee of a specified category. कौन होता है specified category का? अगर उसकी salary 50,000 rupees से क्या है, ज्यादा, तब वो specified employee है. अगर उसके पास voting powers कितने percent है, minimum 20%, या फिर वो company का क्या है, director. तो अगर इन तीनों conditions को वो fulfill करता है तो वो employee normal employee नहीं रहा, वो कौन सा employee बन गया, स्पेसिफाइड. क्या क्या तीन कंडीशंस थी? नंबर वन, उसकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 से ज्यादा है. नंबर टू, उसके पास वोटिंग पावर्स इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 20%. नंबर थ्री, वो कंपनी का क्या है, डायरेक्टर. तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई के केस में वर्क टैक्सेबल है, ठीक है? अगर एम्प्लॉयर ने कार फैसिलिटी दी है किसको, अपने एम्प्लॉयर. चले आगे. But if the car is owned by employee and its running and maintenance are met or reimbursed by employer, then this benefit becomes a taxable perk in the hands of all employees. अगर मान लो यूवी भाटिया की सैलरी 50,000 से ज्यादा है, उसके पास 20% राइट्स हैं और ही इज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, तो वो कौन सा एम्प्लॉय बना, स्पेसिफाइड. यहाँ पे अगर मैं उसको कार दे रहा हूँ तो वो टैक्सेबल उसके केस में है. लेकिन अगर मान लो किसी की सैलरी 49,900 रुपीस बन रही है और उसके पास खुद की कार है, लेकिन उस कार में जो पेट्रोल का या जो सर्विस के एक्सपेंस होते हैं वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन कर रहा है उसकी, एम्प्लॉयर पे कर रहा है. तो इस केस में जो ये टैक्सेबल पर्क होगा, ये सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए नहीं होगा, ये सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल. फर्क समझो, पैराग्राफ में दो चीजें बताई हैं उसने, कहाँ टैक्सेबल सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में, कहाँ टैक्सेबल ऑल एम्प्लॉयज के केस में, ठीक है? वहां पे कार भी किसने दी थी, एम्प्लॉयर ने खुद दी थी. यहाँ पे कार किसकी है, एम्प्लॉय की खुद की कार है और सारा खर्चा कौन कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर कर रहा है. तो ये कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे उसकी सैलरी 40,000 हो, चाहे उसके पास वोटिंग पावर्स ना हो, चाहे वो डायरेक्टर भी ना हो, सब उस पे टैक्स देंगे क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, बेनिफिट. और ऑल बेनिफिट्स आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स, क्योंकि आप उसका पेट्रोल का खर्चा उठा रहे हो, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो बेनिफिट्स आर टैक्स. नेक्स्ट, यहाँ से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है जो लर्न करना है आपको. नॉर्मल एम्प्लॉय को कार मिलती ही नहीं. मोटर कार इज ओनर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर and its running and maintenance expenses are met or reimbursed by employer. तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, जो मोटर कार है वो किसकी है, employer की है, owned by employer और hired by employer. Hired means उसने खुद रेंट पे ले रखी है और उसके रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी कौन कर रहा है, employer कर रहा है. लेकिन वो कार उसने किसको दे दी, अपने employee को दे दी. This is a very technical topic from the chapter salary. So be attentive. First topic is, car is fully used in the performance of official duties of employer. ऊपर मुंह कर लो. मैंने सक्षम को कार दे दी कि जाके ऑफिस की सारी मीटिंग्स करके आ, ठीक है? I am the employer, he is my employee. Now in this case, सारा पेट्रोल का खर्चा भी मैं कर रहा हूँ. But जो कार दी है मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए दी है. तो क्या सक्षम को कोई बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा. वो काम तो मेरा करने गया है ना, खुद का तो कोई वो पार्टी करने नहीं गया, खुद की फैमिली को तो नहीं घुमा रहा, किसके काम पे गया है, वो ऑफिस के काम पे गया है. तो जब उसको कोई बेनिफिट मैंने दिया ही नहीं, सिर्फ मैंने एज अ ड्राइवर यूज किया ना कि तू मेरी गाड़ी ले जा और मेरी मीटिंग अटेंड करके आ, यस और नो, तो इज इट अ बेनिफिट टू हिम? नो, इट इज नॉट
taxi. The value of work will be nil for one chance. Car is fully used in the performance of official duties of the employee. When car is used for official work only and the employer or his family is not deriving any profit, any benefit, so no work will be considered in this case. In this case, employer is required to maintain complete record of journeys undertaken, like date of journey, destination, mileage, amount spent, etc. So a log book is required to be maintained. Employer is also required to give a certificate that the expenditure on car had been incurred totally and exclusively for official work. Value of work is equals to net. तो जब भी आपने ऑफिशियल वर्क के लिए एम्प्लॉई को कुछ प्रोवाइड करना है तो उस केस में उसको कोई बेनिफिट आपने नहीं दिया, उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सक्षम को इस केस में मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरा काम करने के लिए, अगर वो अपना घूम रहा है तो उसको बेनिफिट मिल रहा है। सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं क्या है। कार इज फुली यूज फॉर प्राइवेट पर्सनल और फैमिली पर्पजेज ऑफ द एम्प्लॉई। नाउ सक्षम इज गोइंग विद फैमिली इन माई कार, that means he is enjoying, that means here he has to pay some tax. Let's read out the rule. Aditi, when employee or any member of his household is fully using the car for their private family purpose, so it is a perk taxable in the hands of the employee. Find out the amount spent by the employer on the road, fares, depreciation at the rate 10% of cost of car or cars, salary of driver, etc., and in case any amount is charged from the employee, the same shall be deducted out of above mentioned expenses. Incurred by employer in the amounts of the right shall be valuation of this bill. तो उसने बोला क्या इसमें, अगर आपने सक्षम को गाड़ी दे दी, अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी और वो अपनी फैमिली को भी साथ में लेके जा रहा है कहीं पे भी, मतलब आपने गाड़ी उसके नाम ही कर दी एक तरह से, आप उसको ये नहीं बोल रहे ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए जा रहे, आपने गाड़ी उसको दे दी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पर्क की वैल्यू कैसे निकालोगे। सबसे पहला जो खर्चा हुआ है उसमें आपने नॉर्मल वियर एंड टियर यानी कि डेप्रिसिएशन कितने परसेंट कंसिडर करनी है, 10% वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड, अगर आपने उसको कोई शेफर दिया है, शेफर मीन्स ड्राइवर, क्या दिया है तो शॉफर भी बोल सकते हो आप, अगर आपने उसको ड्राइवर दिया है तो उसकी भी जितनी सैलरी होगी वो भी इसमें क्या हो जाएगी ऐड। अगर मैंने सक्षम की सैलरी में से 5,000 रुपये महीना काटने शुरू कर दिए कि जो मैंने तेरे को कार दी है उसके 5,000 रुपीज पर मंथ मैं आपकी सैलरी से क्या करूंगा डिडक्ट, तो आप उसको क्या कर दोगे माइनस। तो तीन चीजें ऐड करनी है, पहला खर्चा, जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है चाहे पेट्रोल पे चाहे रनिंग पे चाहे मेंटेनेंस पे, उसमें क्या ऐड करेंगे 10% डेप्रिसिएशन का अमाउंट, फिर क्या ऐड करेंगे सैलरी ऑफ शॉफर या ड्राइवर, माइनस क्या करेंगे जो अमाउंट आपने एम्प्लॉय की सैलरी से क्या कर लिया चार्ज कर, जो आंसर आएगा इट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ। क्लियर है आदित्य, इसको कंप्लीट करो नीचे। फाइंड आउट the amount spent by employer on running and maintenance of car including depreciation, salary of chauffeur, etc. Less any amount paid or reimbursed by employee. Value of work. Next, third case. Car is partly used in performance of duties and partly for private or personal purpose. यहाँ पे जो मैंने गाड़ी दी है वो ऑफिस भी आएगी, वो ऑफिस की मीटिंग्स में भी जाएगी, सक्षम के घर भी जाएगी, सक्षम के घर से अपनी पार्टीज में भी जाएगी, घूमने फिरने भी, मतलब नाउ हेयर यू हैव टू यूज द कार फॉर बोथ द थिंग्स फॉर ऑफिस एज वेल एज फॉर पर्सनल। सेकेंड केस में सिर्फ क्या था पर्सनल, फर्स्ट केस में सिर्फ क्या था ऑफिस, तो नाउ दिस इज अ कॉम्बो, थर्ड केस इज द कॉम्बिनेशन, यहाँ रेक्टिफिकेशन चलेगी। सबसे पहला टॉपिक देखो इसमें क्या है, द एक्सपेंसिस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर उसका इंजन 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से बड़ा है तो 2400 पर मंथ, अगर छोटा है तो 1800 पर मंथ। पहला पॉइंट समझ आ गया, पहला पॉइंट क्या था कि जो एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। सक्षम ने पेट्रोल डलवाया, उसने आके मुझे बता दिया मैंने इतने का पेट्रोल डलवाया, मुझे उतने पैसे दे दो, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस टोटल अमाउंट हमने फिक्स करना है तो एज पर लॉ वो ये कहता है अगर आपकी गाड़ी 1.6 से बड़ी है तो कितना टैक्स देना है, कितने पे टैक्स देना है 2400 पे टैक्स देना है, अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो कितने पे टैक्स देना है 1800। दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द लॉ। नंबर टू, एक्सपेंसिस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल यूज,
आर फुली मेट बाय एम्प्लॉई हिमसेल्फ। हमने उसको गाड़ी दे दी लेकिन बोला खर्चा आप खुद करो, गाड़ी तो फिर भी दी है तब भी टैक्स तो लगेगा, तो अब रेट्स क्या हो जाएंगे? देखो जी, अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो 600 पर मंथ, अगर आपकी गाड़ी बड़ी है तो 900 पर मंथ। हाँ जी, तो अगर मान लो 1.6 से थोड़ी सी भी बड़ी है तो वो नेक्स्ट कैटेगरी में जाएगी, अगर 1.6 जाएगी तो भी वो नेक्स्ट कैटेगरी में जाएगी, छोटी में नहीं आएगी, एक्सीड्स है। नेक्स्ट, शॉफर की सैलरी के लिए आपने कितना ऐड कर देना है? 900 पर मंथ, मतलब जो भी आपका ऊपर वाला केस होगा, ऊपर हूँ करो सब लोग। अगर मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ और सक्षम एम्प्लॉय है, मैंने उसको गाड़ी दे दी और पेट्रोल भी मैं डलवा के दे रहा हूँ उसको, और उसकी गाड़ी बड़ी है, तो कितना अमाउंट बताया था मैंने? 2400 पर मंथ। और मैंने सक्षम को साथ में एक शॉफर यानी कि ड्राइवर भी दे दिया, तो उस ड्राइवर के ऊपर भी कितना टैक्सेबल होगा? 900 पर मंथ। अगर छोटी गाड़ी में ड्राइवर दिया तब भी ड्राइवर की सैलरी कितनी टैक्सेबल रहेगी? 900 पर मंथ। तो दिस इज कॉमन फॉर बोथ, शॉफर की सैलरी इज कॉमन फॉर बोथ द केसेस। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नो डिडक्शन। नोट पढ़ रहा हूं मैं, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क कैलकुलेटेड एज पर पॉइंट्स 1, 2, 3 अबव इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट चार्ज और रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई एज सच अमाउंट। अगर मान लो ये वाला केस है, वो दोनों यूजेस कर रहे हैं और मैंने सक्षम की सैलरी से 5000 रुपये पर मंथ काट भी लिए, तो वो माइनस नहीं करेंगे। पढ़ो ये नोट दोबारा से, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क कैलकुलेटेड एज पर पॉइंट 1, 2, 3 अबव इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट चार्ज और रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई ऑन सच अकाउंट। वो जो माइनस करने वाला रूल था वो सिर्फ कहाँ करना है? जहाँ पे गाड़ी सिर्फ क्या यूज कर रही है। अगर इस केस में आप उसकी सैलरी से काटते हो तो माइनस करके नहीं दिखाना। 2400 पर मंथ इंटू कर दोगे 2400 × 12 माइनस 5000 × 12, नो। क्वेश्चन क्या हो जाएगा वहीं पे? गलत, क्योंकि वहां पे गाड़ी दोनों चीजों की काम कर रही है, ऑफिशियल ऑल्सो एंड पर्सनल ऑल्सो। इस नोट को हाईलाइट कर लो, ये भूल जाते हैं, ये ओल्ड बुक्स में भी लिखा होगा। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय। अब यहाँ कार किसकी है? सक्षम की खुद की गाड़ी है, बट उसका एक्सपेंस कौन रीइंबर्स कर रहा है? एम्प्लॉय। पहला पॉइंट, कार इज बीइंग यूज्ड एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस। जब ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेम पॉइंट जो पहले था, सिर्फ ऑफिस के लिए गाड़ी यूज हो रही है तो वैल्यू ऑफ वर्क विल बी निल। नंबर टू, कार इज बीइंग यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिस एंड पार्टली फॉर पर्सनल और प्राइवेट पर्पस। ये भी भाटिया रीड आउट। जितना उसने खर्चा किया है उसमें से माइनस क्या करेंगे? 1800 पर मंथ स्मॉल कार के माइनस करोगे, 2400 पर मंथ बड़ी कार के माइनस करोगे, अगर आपने साथ में ड्राइवर दिया है तो 900 रुपए भी माइनस करोगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो एग्जम्प्ट हो गया। इफ इट इज पॉजिटिव ओनली देन इट विल बी टैक्सेबल, इफ इट इज नेगेटिव नो टैक्स विल बी लगा। क्लियर? तो जितना खर्चा किया है उसमें से छोटी कार के कितने? 1800, बड़ी कार के कितने? 2400, और अगर ड्राइवर दिया है तो कितने? 900। नेक्स्ट, जतन, गाड़ी है वो एम्प्लॉय की खुद की, वो फैमिली को घुमा रहा है लेकिन खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉय। तो बेनिफिट मिल रहा है ना उसको, क्या हो जाएगा वो टैक्सेबल? अगर मैंने उसकी सैलरी से कुछ काट लिया वो क्या कर देना? माइनस। अंडरलाइन कर लो रिड्यूस्ड वाली लाइन, मतलब रिड्यूस हर जगह से होगा, सिर्फ थर्ड कैटेगरी से नहीं होगा, जहाँ पे दोनों पर्पजेस के लिए था। और वहाँ पे गाड़ी किसकी थी? एम्प्लॉयर की। यहाँ गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय। क्लियर हो गया?
होमवर्क लिखो, ओरल टेस्ट ऑफ दिस टॉपिक। सेकेंड होमवर्क लिखो, ओरल टेस्ट ऑफ ऑल द पर्क्स डन टिल नाउ, सारे पर्क्स।